नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूँ शिखा धुरिया। पश्चिम बंगाल में कोरोना वैक्सीन को लेकर विवाद अभी खत्म भी नहीं हुआ था कि अब आसनसोल से एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है। आपको बता दें, यहाँ टीएमसी नेता और पूर्व मेयर तबस्सुम आरा विवादों में घिर गए हैं। दरअसल सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें तबस्सुम आसनसोल के टीकाकरण केंद्र में एक महिला को कोरोना वैक्सीन लगाती नजर आ रही है। वीडियो सामने आने के बाद उन्हें चौतरफा आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है। वहीं इस मामले को लेकर बवाल मच गया है। विपक्ष और लोगों ने इसे स्थानीय लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ बताया। मामले में तूल पकड़ता देख पूर्व मेयर तबस्सुम आरा ने इस मुद्दे पर सफाई देते हुए कहा कि वो लोगों को जागरूक करने के लिए ऐसा कर रही थी। तबस्सुम ने कहा कि मैंने टीकाकरण कार्यक्रम के दौरान जागरूकता के लिए अपने हाथ में सिरिंज पकड़ रखी थी। वायरल हो रही तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि हरे रंग का मास्क पहने तबस्सुम के हाथ में वैक्सीन की सिरिंज है और वो महिला को टीका लगा रही है। इस पर तबस्सुम का कहना है कि वो सिर्फ सिरिंज पकड़ने का नाटक कर रही थी। सच ये है कि उनका इरादा लोगों का डर दूर करना और सभी में वैक्सीन को लेकर जागरूकता फैलाना था। टीएमसी नेता ने ये भी कहा कि उन्होंने स्कूल की पढ़ाई के दौरान नर्सिंग का कोर्स भी किया था। वहीं इस घटना के बाद अब बीजेपी को टीएमसी के खिलाफ हमला बोलने का मौका मिल गया है। टीकाकरण केंद्र पर चिकित्सकों, डॉक्टरों और नर्सेस की मौजूदगी में तबस्सुम के द्वारा कथित रूप से महिला को टीका लगाए जाने को लेकर दक्षिण आसनसोल की बीजेपी विधायक अग्नि मित्रा पाल ने निशाना साधा। उन्होंने लिखा कि नकली टीका और टीएमसी आपस में मिले हैं। हर जिले से नकली वैक्सीन निकल रही है, नियमों पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा, क्योंकि वो खुद इसके लिए प्रशिक्षित हैं। फिलहाल तबस्सुम आरा के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। आसनसोल नगर निगम के नगर प्रबंधक अमरनाथ चटर्जी ने कहा कि हम इस मामले की जांच कर रहे हैं, अगर तबस्सुम आरा ने ऐसा किया है तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।